संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक चाचौड़ा के संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ की इकाई ने एसडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संविदा कर्मचारियों ने मुख्य रूप से 3 मांगे रखी है, जिसमें उनकी प्रथम मांग है मुख्यमंत्री जी से नियमितीकरण की घोषणा अनुरूप नियमित करने की मांग रखी जाएगी। साथ ही 5 जून 2018 को बनाई गई नीति को लागू कर नियमित कर्मचारी को तुलना में 90% वेतनमान देने की मांग की है एवं पूर्व में भिन्न भिन्न प्रकार के कैडरों में निष्कासित संविदा साथियों की बहाली की मांग भी की है। ये 3 मांगे एसडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन में रखी गई। ज्ञातव्य है कि कोरोना महामारी के समय में स्वास्थ्य विभाग अहम कड़ी के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना जैसी महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये सेवाएं निरंतर अपनी जान को जोखिम में डालकर दे रहे हैं। इन्हें ना तो नियमित की तरह वेतन मिलता है और ना ही अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जहां तक कि संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ध्यान आकर्षण करने हेतु ज्ञापन ब्लॉक इकाई द्वारा दिया गया, जिसमें ब्लॉक इकाई के सभी सदस्यों ने एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा। हमारी थीम है, पूरे प्रदेश भर में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी थीम है आधी रोटी आधा पेट। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव के पूर्व ही एक आश्वासन दिया था कि आप लोग हड़ताल खत्म करिए और हम आपको नियमितीकरण की उपलब्धि देंगे, लेकिन चुनाव के 1 साल 2 साल बीत जाने के बाद नियमितीकरण जैसी कोई भी सुविधा हमें नहीं दी गई। हमारा ये पहला ज्ञापन पत्र नहीं है, हम सैकड़ों ज्ञापन एनएचएम की तरफ से संविदा कर्मचारियों की तरफ से दे चुके हैं। ये हमारा ज्ञापन आज फिर से है। हम सचेत करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारी मांगों पर ध्यान करें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वॉरियर की तरह हम लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है कि देश की जनता देश के संविदा कर्मचारियों को कुछ तोहफा के स्वरूप नियमितीकरण जैसा कुछ दें। मुख्य मांग क्या है आपका कि नियमितीकरण हमको दें, क्योंकि हमारे संविदा कर्मचारियों के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है इसके स्वरूप में हमें ना तो अनुकंपा नियुक्ति है ना कोई और दूसरा प्रावधान है। इसलिए हमारी मुख्य मांग तो है कि हमें नियमितीकरण मिलना चाहिए। साथ ही जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता, जब तक 90% क्योंकि दूसरे संविदा कर्मचारियों को दिया गया है वो दिया जाए, साथ ही हमारे बहुत सारे संविदा कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है, तो उनको निष्कासित साथियों को वापस दिया जाए।